फ्रेंड कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक ही ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ IQ 7 5G और दूसरी तरफ IQ Neo 7 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो IQ 7 5G को 27,990 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ IQ Neo 7 5G को 29,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि अंडर 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। IQ के Neo 7 5G में MediaTek का Dimensity 8200 का बेस्ट इन क्लास वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IQ 7 5G में Qualcomm Snapdragon 870 का एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में काफी जरा बेस्ट है, पर जब बात आती है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा स्मार्टफोन आगे निकल जाता है, तो आप लोगों को IQ के Neo 7 5G में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के सिर्फ साइज में डिफरेंस देखने को मिलता, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है। क्योंकि IQ 7 5G में 6.62 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IQ के Neo 7 5G में 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो IQ 7 5G के प्राइस 2,000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में IQ Neo 7 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि IQ 7 5G में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। IQ 7 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX598 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 13+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IQ के Neo 7 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। IQ Neo 7 5G के कैमरे में भी OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर IQ 7 5G में आप लोगों को सेंसर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसी वजह से कैमरे के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है IQ 7 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो मेगापिक्सल में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के अपर्चर में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है। क्योंकि IQ 7 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ IQ Neo 7 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। IQ 7 5G के सेल्फी कैमरे का अपर्चर कम है, इसीलिए इसका सेल्फी कैमरा भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है IQ के Neo 7 5G के सेल्फी कैमरे से। दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो IQ का Neo 7 काफी जरा बेस्ट हो जाता है। क्योंकि IQ के Neo 7 में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 120 वाट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IQ 7 5G में 4400 mAh की एक बैटरी मिल जाती है 66 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो IQ Neo 7 में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IQ 7 5G में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, IQ का Neo 7 एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पर कैमरा इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है 30,000 रुपए के प्राइस को अगर देखा जाए तो। वहीं दूसरी तरफ IQ 7 5G जिसका प्राइस 2,000 रुपीज कम है, उसमें भी आप लोगों को एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और IQ के 7 5G का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो अगर आप लोग इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 2,000 रुपीज कम खर्च करके IQ के 7 5G को ही बाई करें।